भाई और बहनों, ये सारे का सारा कार्य और काम एक व्यक्ति ने कहा है जिसका नाम है मित्रो। यार इतना चालू आदमी मैंने देखा ही नहीं अपनी दुनिया। मैं आपसे आज 5-4 मिनट आपसे बातचीत करने के लिए आया हूं, क्योंकि अरे प्रेमचंद जी 2 मिनट मुझे, चलो कोई बात नहीं, अगर बैठ गए तो अब कोई दिक्कत नहीं है। आपके एसपी साहब को बोल दीजिए कि बैठ गए हैं लोग। पांच सात मिनट आपके बीच में मैंने आपको संबोधित करना है, बोलना है, उसके बाद सचिन पायलट जी ने बोलना है और फिर जवाला जी जाकर एक सभा को संबोधित करना है। एक बात मैं कह सकता हूं और अजय जी आप सुन लीजिए, मेरी उम्र तो आपको कम लग रही होगी, मैं केवल 42 साल का हूं और कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूं और 3 बार लगातार पंजाब से बादलों के जिले से लड़कर आता हूं और इस बार भी लगातार 3री बार जीत कर आया हूं और हमेशा बादलों से ही पंगा रहता है कि बादल और मेरी जो कॉन्स्टिट्यूंसी है आपस का हल्का जेड़ा वो साडा नाल नाल है। ते कई बारी मैनू उन्हों का मुंडा यह भी कहता है जेड़ा सुखबीर बादल डिप्टी मुख्यमंत्री रहा है भी तेरा नाम लिखा पाया लाल डायरी च, फिर कई बारी मैं लाल डायरी पाड़ी भी है थोड़ी कृपा के नाल। पर मैं गल इस करके दस रहा सी, तुसी कहोगे कि राजा वड़िंग कोई भविखबाणी कर रहे है, मेरी उम्र तो बड़ी छोटी है, उम्र वाकई मेरी छोटी है लेकिन थोड़ा तजुर्बा ज्यादा हो गया है। अज दा जेड़ा इकट्ठ है, अज दियां जेड़ियां मेरियां महिलावां भैणां आईयां हथ खड़े कर रही है ते नौजवान सीटियां मार रहे है, मैं अजय जी लिख लो और आज जेड़े सीआईडी इंटेलिजेंस साहब भी पुलिस वाला भी भाई आया था, पुलिस वाला आया था एसपी साहब का संदेश लेकर, जरा एसपी को भी बता दीजिए और वो ऊपर भी बता दे कि अजय जीत रहा है। अजय जय अजय जय अजय, अजय का जीतना तय हो चुका है, ये अपने ठाकुर साहब को बता दीजिए और ये केवल 8 दिन रह गए हैं। ठाकुर साहब को कह लो जो करना कर लो और ये निक्का इसको 8 दिन के बाद तिक्खा भी अजय भाई करेगा। मैंने सुना है निक्का ने बहुत लूटा है, रेत खा लिया, रेल की पटरी खा गया, भाई गरीब के घर का रेत खाया। एक बार सुन लो एक बार अजय जी, एक बात आप भी सुन लो, कल को कहीं इधर उधर मत कर लेना, मतलब निक्का को छोड़ मत देना, जितना खनन खाया है उतना हिसाब किताब लेना होगा, ये आपसे कहने के लिए आऊं। क्यों भाई नूरपुर वालों, आज चिता देंगे लेकिन हमारे खनन का आपने एक एक पाई का हिसाब लेने की जिम्मेदारी अजय साहब आपकी होगी। और कहने कल यार मैं कल ऊना में आया था, मैं ऊना गया ते ऊना वाले कहने हेलो, ऊना वाले कहने इन्होंने 8 दिन बाद हरिद्वार छड़ के आने, वो मैं क्या हरिद्वार क्यों छड़ के आना है, गंगा मैया क्यों खराब करना, इन्हों इत सिटो कि। सो मेरे दोस्तों, मेरे सत्कारियो मेरियो माताओ भेनो, मैं बेनती करने वास्ते आया थो, अज देश के अंदर जिस प्रकार के हालात हैं, अज देश के अंदर
साडे वख-वख धर्मां दे लोग एक दूजे दे दुश्मन बनाए जा रहे हैं। कोई कब्रिस्तान की गल कर रहा है, कोई शमशान घर की गल कर रहा है, कोई गुरुद्वारे की गल कर रहा है, कोई मंदिर की गल कर रहा है, कोई मस्जिद की गल कर रहा है। एक कांग्रेस पार्टी है जिन्हें हमेशा देश की खातर, देश के तिरंगे झंडे की खातर कांग्रेस पार्टी के हजारों लीडरों ने कुर्बानी की है। हजारों लीडरों ने कुर्बानी करके इस देश को बड़ी मुश्किल नाल वापस लिया के दिता है। कई अभी आ जिहड़े नौजवान साथी है इस सवाल करते हैं कि 70 साल बनाम ये बीजेपी वाले कहने कि 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। मैं आप सुन लो, मैं आपको ये कहना चाहता हूं, हमने 70 साल देश के लिए राज किया लेकिन तब इस देश के अंदर सुई नहीं बनती थी, सुई धागे वाली सुई। देश के अंदर सुई से लेकर जहाज बनाने का काम बाखड़ा डैम से IIT, आज जो कुछ देश के अंदर बना है वो कांग्रेस पार्टी की देन है, कांग्रेस पार्टी के लीडरों की देन है। मेरे भाई और बहनों, अगर 70 साल राज किया, मैं एक बात कहना चाहता हूं सुन लो, अगर 70 साल राज किया लेकिन 70 साल में हमने जो गैस का सिलेंडर था, महंगाई बढ़ी लेकिन कभी 3 रुपये बढ़ने दिया, कभी 5 रुपये बढ़ने दिया, 70 साल में हम 375 रुपये तक गैस का सिलेंडर लेकर आए, आज 8 साल में 1150 का गैस का सिलेंडर हो गया। इसलिए हमने 70 साल इस देश के लिए के ऊपर राज किया। पेट्रोल के दाम हमारे समय में डॉक्टर मनमोहन सिंह, एक शरीफ व्यक्ति पंजाब का रहने वाला वो सरदार, जब सोनिया गांधी देश की प्रधानमंत्री बन रही थी, अपना पद छोड़कर जो 2% सरदार है पूरे देश के अंदर, ऐसे व्यक्ति को देश का प्रधानमंत्री बनाया। और जब सुन लीजिए 42 रुपए तेल हुआ करता था, आज 90 रुपए पेट्रोल है, डीजल है, ये कांग्रेस पार्टी की देन है। यूरिया खाद का गट्टा DAP का 450 का हुआ करता था। किसान भाइयों का कहना चाहता हूं, अगर सिवने का पहा उच्चा जा रहा है तो देश थोड़ा थले जा रहे हैं। भाई और बहनों, मोदी का भाषण सुन लो, भाई और बहनों, ये सारे का सारा कार्य और काम एक व्यक्ति ने कहा है जिसका नाम है मित्रो। यार इतना चालू आदमी मैंने देखा ही नहीं अपनी दुनिया। भाषण में कहेगा मित्रों, महिलाओं का सम्मान कीजिए, देश के प्रधानमंत्री हैं भाई, महिलाओं का सम्मान तो कीजिए लेकिन बाहर वाली महिलाओं का कीजिए, घर वाली का भी करना चाहिए सम्मान। जो अपनी के सम्मान नहीं कर सकते वो दूसरों की, मेरी माओं और बहनों का सम्मान नहीं कर सकता। पहले नेक काम की शुरुआत अपने घर से होती है। मेरे भाई और बहन, मेरी आपसे गुजारिश है, कल मैं ऊना में आया था, किसी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने एक बड़ा कदम लिया है, 1500 रुपया अपने चुनावी उन्होंने कहा है मैनिफेस्टो में कि अगर सरकार बनती है पहली कैबिनेट में हम 1500 रुपए का 1500 रुपया महिलाओं का देने का काम करेंगे। लेकिन महिलाओं ने तालियां बजाई, थोड़ी कम बजाई, 1500 मिल रहा है, 1500 पहली कैबिनेट में। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आपने अपने घर वाले को भी पकड़ के रखना है, ये ना हो कि हमारे साथ जो हुआ है पंजाब के अंदर वही हमारे हिमाचल में ना करना। हमारे साथ क्या हुआ, मैं बसों का मंत्री बन गया था, आपने देखा होगा बादल की बसें बहुत पकड़ी मैंने, याद है कि नहीं याद? सुखबीर बादल कहता था मेरी बस पकड़ के दिखा, मैं रोज वो पकड़ता था, मियां बीवी रात को सोते नहीं थे, वीडियो देखते रहते थे कि राजे ने पकड़ दी एक और बस। वो बात मत करना, हमने क्या किया, महिलाओं का किराया भाड़ा माफ कर दिया बसों का, जहां भी जाओ, जो मेरी गिदरबा हल्का है वो सड़क पर पड़ता है, मेन रोड पर
तो मेरे को बुजुर्गों ने कहा यार ये आपने गलत काम कर दिया। मैंने बोला क्यों? कहते यार जब से किराया माफ किया है तब से हमारी महिलाएं नहीं मिलती, पता नहीं कहां चली जाती हैं। मैंने बोला क्या हुआ? कहता जब घर आते हैं तो पूछते हैं टेलीफोन लगा के कहां हो, तो वो कहती है मैं तो बठिंडे गई हूं। तो बोले बठिंडे क्या गए करने गई थी? कहते सब्जी लेने भी आजकल बसों पर बठिंडे जा रही है महिलाएं। पर महिलाओं ने वोट बुजुर्ग हमारे रूठ गए कि इनको क्यों दिया है, हमारे को क्यों नहीं दिया। मेरी आपसे गुजारिश है, हमने वादा किया था पंजाब के अंदर कि अगर सरकार आएगी तो बुजुर्गों का भी यानी कि आदमियों का भी किराया मुफ्त कर देंगे। गुजारिश है इस बार की सरकार को चलते करो, अगर 5 साल सरकार रही तो हमारे बुजुर्गों की भी गुहार लाने के लिए हम कैबिनेट के पास प्रस्ताव रखेंगे कि आइए जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो 65 साल की ऊपर के उम्र के हैं, उनके लिए कुछ ना कुछ विचारा जाए। मेरी गुजारिश है उन लोगों को, सरकारी कर्मचारियों को, अगर पेंशन स्कीम लगवाना चाहते हो, अगर दोबारा ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल कराना चाहते हो, तो एक तरफा चलो, अंदर छुप छुप के मदद करने का कोई फायदा नहीं है। नंगे हो जाओ, स्पष्ट हो जाओ। और इस ठाकुर की सरकार जिसमें आपस का झगड़ा है, जो लड़ाई पंजाब में थी आज भाजपा में हिमाचल के अंदर है, 4-4 मुख्यमंत्रियों के दावेदार हैं। अनुराग ठाकुर कह रहा है कि मुख्यमंत्री के जो निकटतम साथी हैं ये हार जाएं। उधर नड्डा साहब भी कह रहे हैं